महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। हमने देहरादून जाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली थीं। डॉक्टर खन्ना माँ के साथ देहरादून जाने के लिए ऋषिकेश आ रहे थे। शाम 6 बजे के आसपास डॉक्टर खन्ना आश्रम में पहुँचे और सीधे माँ के कक्ष में गए। जीवंती माता जी अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी। डॉक्टर साहब को सामने देखते ही धीरे से हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। शायद जीवंती माता जी डॉक्टर खन्ना के प्रति आभार प्रकट करना चाहती थीं। फिर उन्होंने अपने हाथ धोकर महाराज जी के कमल को प्रणाम किया और सीढ़ी उतरकर कार के पास पहुँच गईं। उस समय जीवंती माँ काफ़ी प्रसन्न दिखाई पड़ रही थीं और वहाँ से जल्दी जाने की व्यग्रता उनके चेहरे पर झलक रही थी। दोनों माँ आराम से कार की सीट पर बैठ गईं। मैं यह सुनिश्चित कर रही थी कि सारा सामान कार में अच्छी तरह रख दिया गया है। इतने में ही जीवंती माता जी ने बड़ी जोर से मेरा नाम पुकारा। उनकी पुकार तीव्र थी। पुनः उनके द्वारा उसी स्वर में मुझे पुकारे जाने पर मैं दौड़कर दोनों माँ के बीच में जाकर बैठ गई। जीवंती माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी ओर देखा और अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। फिर कंपति स्वर से राम राम का उच्चारण करते हुए अनंत में विलीन हो गई। पूर्व के वर्षों में महाराज जी ने एक दिन जीवंती माता जी से कहा था, जीवंती लल्ली, जब तू जाएगी तुझे गंगा किनारे ले जाऊंगा, चंदन की लकड़ी होगी, तेरे हजारों लड़के होंगे। ऐसा ही हुआ। जब मैंने माँ के कक्ष की खिड़की से बाहर देखा तो बाहर अनेक युवक अपनी प्रिय छोटी माता जी की अंतिम यात्रा की तैयारी में लगे हुए थे। उनके वाहन को लाल गुलाब और गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा था। लाल सुनहरे रंग की चुनरी से ढकी जीवंती माता जी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य भक्तों की विशाल भीड़ के साथ हरिद्वार में चंदन की लकड़ी की चिता में पंचतत्व में विलीन हो गईं। माँ का एक अंश छोटी माता जी के साथ चला गया। वर्ष 2006 में छोटी माता जी की पुण्यतिथि के अवसर पर ऋषिकेश आश्रम में भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के संपन्न होने के साथ ही छोटी माता जी की स्मृति में वहां एक मंदिर निर्माण का शुभारंभ भी किया गया। आज यदि आप ऋषिकेश आश्रम जाते हैं तो आप कुछ पल इस अप्रतिम और छोटे से मंदिर में शांति से बिता सकते हैं। यह मंदिर जीवंती माता जी सरलता और शांति का प्रतीक है। एक संत की कुटी की आकृति का यह मंदिर सफेद संगमरमर के चबूतरे पर बना है, जो चारों ओर से गेंदे और गुलाब के फूल पौधों से सुसज्जित है। देवों की प्रिय जीवंती माता जी के इस मंदिर को माँ ने देवप्रिया कुंज नाम दिया है। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।